नमस्कार, वेब दुनिया में आपका स्वागत है। ये नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। चेन्नई के राजाजी हॉल में करुणानिधि के अंतिम दर्शनों के लिए उमड़ी भीड़। पुलिस लाठीचार्ज के बाद मची भगदड़ में दो लोगों की मौत, 3 दर्जन से ज्यादा घायल। मरीना बीच पर अपने राजनीतिक गुरु अन्नादुरई के पास ही बनेगी तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री करुणानिधि की समाधि। दिल्ली में भरी सड़क पर कांवड़ियों की गुंडागर्दी, पुलिस के सामने तोड़ी कार। मुजफ्फरपुर कांड के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर ने कहा, कांग्रेस में शामिल होने वाला था, मुजफ्फरपुर से विधानसभा चुनाव लड़ना भी तय था। मुंबई में चेंबूर स्थित बीपीसीएल प्लांट में धमाके के बाद आग लगी, खाली करवाए आसपास के रिहायशी इलाके, फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां तैनात। कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद राज्यसभा उपसभापति पद के लिए विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार एनडीए के हरवंश ने भी नामांकन दाखिल किया। मुजफ्फरपुर कांड के बाद मध्य प्रदेश के सभी बालिका गृहों में जांच के आदेश, सीसीटीवी से होगी निगरानी। बसपा सुप्रीमो मायावती का नया राजनीतिक दांव, सरकार से गरीब मुस्लिमों को आरक्षण देने की मांग की। देवरिया शेल्टर होम कांड को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणा, सीबीआई करेगी मामले की जांच। अमेरिका चीन के 279 उत्पादों पर वसूलेगा 25% आयात शुल्क, 16 अरब डॉलर की होगी आमदनी। केन्या के पूर्व विश्व चैंपियन धावक निकोलास बैट की कार दुर्घटना में मौत। WAFF अंडर 16 मुकाबले में भारत ने यमन को 3-0 से हराया, टूर्नामेंट में दर्ज की 4th जीत। ये थी आज की खास खबरें। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।